राज्य सम्मेलन के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के आशा विश्वास की किरण की उम्मीद परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, इस मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री एवं सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं अयोध्या की धरती से पवन पांडे एक छोटा सा कार्यकर्ता इस सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं और पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी डेलीगेट साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आज नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, आज राज्य सम्मेलन है और आज जो आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के पूर्व विधान परिषद सदस्य और लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई राजपाल कश्यप जी ने रखा है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। साथियों, हम कहना चाहते हैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2017 से लेकर 22 और 22 से लेकर आज के दिन तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ठगी जा रही है, छली जा रही है, लूटी जा रही है, आज वो किसी से छुपा नहीं है। आज थाने आतंक का पर्याय बन गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अभी सदन चला कुछ दिन पहले और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे सम्मानित विधायकों ने सदन में आवाज उठाई, सवाल उठाया, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और सरकार नहीं दे पाई। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह से सदन में चिल्ला रहे थे, आज आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। स्ट्रेचर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। जो एम्बुलेंस आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चलाई थी 108 102, आज उसका इंजन सीज है, उसमें डीजल और पेट्रोल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं साथियों कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की वही स्थिति है कि हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की आज वही स्थिति है। साथियों, हम कहना चाहते हैं, आज एक स्टूल मंत्री है, एक छापा मंत्री है और एक योगी आदित्यनाथ है। हर चार दिन पे अयोध्या पहुंच जाते हैं, आज भी अयोध्या गए हुए हैं, आज भी अयोध्या गए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी माँ गंगा की बात करते हैं, कभी गाय की बात करते हैं। अगर इनसे भाषण देने को कह दो, अगर माँ गंगा, माँ सरजू, गौ माता, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये शब्द छीन लिए जाए तो कोई भाजपा का नेता 5 मिनट भाषण नहीं दे सकता। ये चुनौती देकर आज इस मंच से कहना चाहता हूं, अभी अयोध्या की धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। बैदरापुर एक गांव है, थाना रौना ही, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में। यहां पर मीडिया के साथी मौजूद है, इसलिए उनके सामने भी कह रहा हूं कि मीडिया के साथियों, आप जानिए, गाय माता की हड्डियां डीसीएम ट्रक पे लदी हुई पाई गई, गौ माता का चमड़ा कई ट्रक वहां पर पकड़ा गया और योगी आदित्यनाथ की सरकार है ये बताते हम गौ माता की रक्षा करेंगे, गौ माता का संरक्षण करेंगे। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, जितनी सरकारी गौशालाएं हैं, गौ माता चारे और पानी के अभाव में भूखे मर रही हैं और वहीं उनको दफनाया जा रहा है। उनकी हड्डी और चमड़े की तस्करी योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में पूरे उत्तर प्रदेश में की जा रही, इस बात को हम कहना चाहते हैं। साथियों, एक बात आज जान लीजिएगा, हमारी हमें बहुत से साथियों ने नौजवानों के बारे में बोला, मैं आज इस मंच पर बहुत गौरवान्वित होते हुए कहना चाहता हूं, आज अगर पवन पांडे इस मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं तो यह समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव की देन है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष से लेकर और अयोध्या विधानसभा जीतने से लेकर और इस सरकार में मंत्री बनने का अगर गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार के लड़के को किसी ने मौका दिया तो उस नेता का नाम आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं नौजवानों, आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है और आज नौजवानों, आपको सोचना होगा, छात्र संघ का चुनाव आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश जी के समय हुआ और छात्र संघ क्यों जरूरी है। छात्र संघ इसलिए जरूरी है कि एक गरीब का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, ठेले वाले का बच्चा, किसान का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भी छात्र संघ का अध्यक्ष और महामंत्री बनने के बाद इस देश की पंचायत और उत्तर प्रदेश की पंचायत में पहुंचने का काम करता है। छात्र संघ की नर्सरी है,
इसलिए हम कहना चाहते हैं आज शासन के चुनाव बंद हैं। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400 गुना फीस बढ़ा दी गई। वो जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसने प्रधानमंत्री दिया, मुख्यमंत्री दिया, कई नेता दिया, आज इस मंच पर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पैदाइश है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं आज विश्वविद्यालय में छात्र संघों के चुनावों को योगी सरकार ने क्यों बंद किया, क्योंकि गांव गरीब का लड़का न निकल सके, नेता न बन पाए, क्योंकि गांव गरीब का जो लड़का आज उसकी आस्था अगर किसी में है तो आदरणीय अखिलेश यादव में है, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। लेकिन साथियों एक बात जान लीजिएगा, 2024 नजदीक आ रहा है, आज आप संकल्प ले लीजिए, 2022 में तो हम चूक गए, 2022 में पैसे के बल पर, ईवीएम के बल पर इन्होंने हमारी सरकार नहीं बनने दी। लेकिन साथियों आपको आज यहाँ पर संकल्प लेकर जाना होगा और मैं ये लाइनें कहना चाहता हूँ कि आधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, आधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। 2024 की भूमिका सजने लगी है, पार्थव गांडियों में टंकार को पैदा करो, पार्थव गांडियों में टंकार को पैदा करो। साथियों आप जान लीजिए आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल ये देश ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, लूटा जा रहा है। किसान रो रहा है, नौजवान भुखमरी के कगार पर है, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी ने 100 डायल शुरू किया था, आज 100 डायल की क्या स्थिति है, आज 100 डायल की स्थिति योगी जी ने उसे 112 कर दिया। आज अगर कोई 112 पर फोन कर दे तो जो फोन करता है वो भी पैसा देता है और जिसके लिए फोन करता है वो भी पैसा देता है। जब तक दोनों से पैसा ना वसूल ले तब तक 112 वापस नहीं जाती। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं आपसे अपनी बात कहते हुए खत्म करूंगा। योगी जी और मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, अभी 2 दिन केवल बारिश हो जाए, 4 दिन बारिश हो जाए तो पूरी स्मार्ट सिटी पानी से भर जाती है। अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, किसी जिले में जाकर देख लीजिए, केवल लूट का अड्डा है। अस्पताल लूट का अड्डा है, थाना कसेरी लूट का अड्डा है। सरकारी अधिकारी आज योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में केवल लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए कम से कम 50 पूर्व सैनिक आए थे अयोध्या से, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को संघर्ष किया, सेना पर सीमा पर खड़े होकर इस देश की रक्षा की। आज उनके मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। आप बताइए, आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आप देश के सैनिकों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। आज आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन का कारोबार किया गया, 2 करोड़ की जमीन 2 मिनट में 20 करोड़ की हो गई। ये कारोबार किसने किया, राम के नाम पर जमीन का सौदा किसने किया, भाजपा के नेताओं ने किया। अभी विकास प्राधिकरण ने सूची जारी की थी, विधायक और मेयर जमीन की कालाबाजारी करते हैं, कौन करता है, भाजपा के नेता करते हैं। अभी उत्तराखंड में एक बेटी के साथ उसकी हत्या की गई, उसका आरोपी कौन है, भाजपा का नेता है। इसलिए साथियों यहाँ बैठे हुए डेलीगेट साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, आज हत्या हो, डकैती हो, लूट हो, बलात्कार हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं का संरक्षण और उनका हाथ पूरे प्रदेश में है। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 2024 के लिए कमर कस लीजिए और यह आह्वान करिए कि 2024 में उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीते, जिससे देश का प्रधानमंत्री जो बने बगैर अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद और समर्थन के न बन पाए, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2 लाइनें समर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जन्म से 16 है शबनम नहीं, ये जन्म से 16 है शबनम नहीं, इसलिए तासीर इनकी नम नहीं, और तू समर जाए ये कोशिश है इनकी, ये बिखर जाए इसका इन्हें गम नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, श्री मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।